एक समूह इनका वो है जो कहता है कि हम फंड इकट्ठा करके देंगे, जिसमें जमाते उलेमा हिंद एक बहुत बड़ा संगठन है, जिसने सबसे पहले 5 लाख रुपए उस लड़की को देने के लिए घोषणा करी। शुभम भाई, एक ये इनका ग्रुप हो गया जो लोगों पर FIR दर्ज कराता है, एक ग्रुप ये है जो फंड क्रिएट करता है, और एक ग्रुप ये है शुभम भाई जो पूरी की पूरी भीड़ को इकट्ठी करता है, भीड़ तंत्र को इकट्ठा करता है। कहीं भी देश भर में बड़े बड़े धरने ऑर्गेनाइज करने हो, बड़े बड़े प्रदर्शन ऑर्गेनाइज करने हो, वो सारी की सारी मूवमेंट को वो लोग खड़ी कर देते हैं अपनी मस्जिद मदरसों में, जो इनका पूरा का पूरा तंत्र है उसके माध्यम से। शुभम भाई, चौथा एक इनका ग्रुप है जो सोशल मीडिया पर नरेशन, सोशल मीडिया पर नैरेटिव चलाता है। ये पिछले एक सप्ताह से ये खेल चल रहा है सोशल मीडिया पर स्पेस के माध्यम से, इस बुरके वाले विवाद को लोगों तक पहुंचाने का और एक बहुत बड़ी मूवमेंट खड़ी करने का। तो ये 4 तरीके हैं शुभम भाई लोगों जो हम इस प्रकार से पूरे देश को कैप्चर करने का प्रयास कर रहे हैं। पहला, अधिवक्ताओं का पैनल इनके पास है। दूसरा, ये फंड क्रिएट करते हैं, जो फंड क्रिएट के लिए इनके पास ऑर्गेनाइजेशन है, बड़ी बड़ी जमाते उलेमा हिंद में बहुत बड़ी संस्था है। तीसरा, एक इनके पास जो भीड़ तंत्र, जो बड़े बड़े धरने प्रदर्शन साहिन बाग जैसे, या जो हिजाब जैसे इन्होंने आपने दिखाया मालेगांव का, तीसरा वो, और चौथा शुभम भाई सोशल मीडिया पर इसको ट्रेंड पे लाना है। अल्लाह अकबर ट्रेंड पे चला, हिजाब वाले विषय ट्रेंड पर चले, आज तक चल रहे हैं। ये है इनकी ताकत, ये है इनकी शक्ति। इस शक्ति को हमें तोड़ो। कनाडा में बैठा हुआ है ये जोकर, ये इसलिए वहां पर बैठ के इतना भड़क रहा है, इसको पता है कि हिंदुस्तान में स्लीपर सेल्स हैं इन लोगों की। इसीलिए अब ये देश को तोड़ने का मुझे लगता है विदेशों में बैठ के और कोई तरीका अपना रहे होंगे, या खुद पीछे हटकर किसी और लोगों को आगे करके भी इस पूरे देश में आगजनी या तोड़फोड़ करने का प्रयास करेंगे और देश को तोड़ने की शुभम भाई कोशिश। ये जो पन्नू है, ये जो बोल रहा है इतना खुलकर, ये कोई इतना आसान नहीं है इस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल करना। हम जानते हैं इस प्रकार बोलने के पीछे बहुत बड़ी ताकत चाहिए होती है, और वो ताकत इन लोगों के पास है। वो ताकत कनाडा की नहीं है, वो ताकत यहाँ हिंदुस्तान की है, वो राष्ट्रद्रोहियों की है जो उनके साथ खड़े हो जाते हैं शुभम भाई। ये उनके पास वो ताकत आज भी है। ये उर्दिस्तान बनाने की इसलिए बात कर रहे हैं क्योंकि उर्दिस्तान को मानने वाले लोग इस देश के अंदर है। ये मुगलिस्तान बनाने की इसलिए बात करते हैं कि मुगलिस्तान बनाने वाले लोग इस देश के अंदर है। यहाँ बात चल रही है हिजाब की, पर बात किताब की नहीं चल रही, बात किताब की होनी चाहिए। हिजाब आपके मजहब का मामला, अपने घर का मामला, अपने समाज का मामला, नहीं थोप सकते, पर जबरदस्ती थोपने की बात कर रहे हैं शुभम भाई। ये प्रयास है इस देश को तोड़ने का।